पटना आए और मुन्ना होटल में मिलेजी नहीं गया तो कुछ ना था। बिहार जैसा को कहीं टेस्ट नहीं मिला मटन। हम लोग तो सवाल ऐसा देंगे, एक बार गहकी आएगा दोबारा जरूर आएगा, मतलब मजा आ जाएगा। खाना खराब नहीं तो पैसा नहीं दीजिए, फ्री सेवा तो गारंटी के साथ। मोदी की गारंटी है, मोदी जी तो मोदी जी देश का शान है, उनके बारे में कुछ नहीं। तो कलेजी में ऐसा क्या मिला रहे लोग इतना पसंद कर रहे हैं? बाकी जो कलेजी मटन में डाल के बनता है, मटन और कलेजा को भूस भूस है। कलेजी जब तक छोटा छोटा नहीं कटी है ना तो बिसैनी नहीं निकलता। तो इनका कलेजी फ्राई कैसा लगता है? सब मसाला कमाल है भैया, सबसे अलग है, खा देखिए मजा आ जाएगा। तो भैया क्या बनने जा रहे हैं यहाँ पे? कलेजी बनेगा आज, कलेजी बनेगा यहाँ पे। तो कितना किलो बनने वाला है? कलेजी 1.5 किलो रहेगा मैडम। तो भैया सरसों के तेल में बनता है ये? जी हाँ। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे प्याज की कटिंग की जा रही है और कितना सारा प्याज यहाँ पे काटा जा रहा है। तो भैया कितना किलो प्याज कटेगा यहाँ पे? प्याज 17 किलो मसाला मुझाने के लिए प्याज आ रहा है, बिरयानी के लिए 1.5 किलो प्याज। कोयला लकड़ी का स्वाद अलग रहेगा, गैस का स्वाद गैस जैसा रहेगा। अच्छा, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हो हमारे खड़े मसाले आ चुके हैं। भैया क्या क्या डालेगा इसमें? इसमें चटपत्ता है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, 7-8 किस्म रहता है, जीरा है, गोलकी है। तो भैया देख सकते हो हमारे खड़े मसाले यहाँ पे आ चुके हैं। अब देख सकते हो इसको कढ़ाई में यहाँ पे डाला जाएगा। तो भैया होटल को कितने साल हो गए यहाँ पे? होटल को जो सर 40 साल। जब से मंडी आए ना तब से हम लोग का होटल है। दादा चलाते थे, जहाँ जहाज चलता था महेंद्र का, वहाँ दुकान था, वहाँ से छूट के यहाँ जाएगा। नमक भैया अनुसार। अच्छा, तो ये आ गया भाई नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। तो भैया मार्केट का नहीं रहता ये? नहीं, तो कुटाता है खल में। अच्छा, खुद ही कुटाते हैं ये? जाएगा मिर्चा, या आगे लाल मिर्च, हल्दी, या आगे धनिया। तो मसाले यहाँ पे डाल दिए गए हैं, प्याज हमारा भून चुका है। अब हल्का सा इसमें पानी मिलाया जाएगा। जैसे ही कलेजी आएगी, कलेजी इसमें अच्छे से कट करके डाली जाएगी। तो हमारी अब कलेजी बनने जा रही है। तो भैया कितना कलेजी डालता है इसमें? ये 2 माल का है, 2 खस्सी का 2 कलेजी। ये दोनों होगा तो 3 पुआ का होगा। गुर्दा, सही आ गया गुर्दा, ये हो गया दिल, गुर्दा और दिल, इसको कटिंग होगा। तो कलेजी की देख सकते हो अब यहाँ पे अच्छे से कटिंग की जा रही है। तो एकदम छोटे छोटे पीसेस में देख सकते हो कलेजी को यहाँ पे काटा जा रहा है। तो भैया कलेजी गुर्दा सब डालता है इसमें, तो काफी लोग पसंद करते हैं ये। तो कम पड़ जाता है? अच्छा, कम पड़ जाता है ये। तो भाई देख सकते हो कलेजी को यहाँ पे अच्छे से कट कर लिया गया है, ये गुर्दा हो गया। तो ये कट करके नहीं मिलता आपको? हाँ, कट करके देता है, पर पीस छोटा बड़ा कर देता है, अपने से काटते तो बराबर रहता है। तो पानी डाल के अब कलेजी की अच्छे से सफाई की जाएगी और हमारा मसाला बन के रेडी है। उसमें एकदम बढ़िया से कलेजी को डाला जाएगा। पानी में नमक डाल दिया गया है। अब नमक डालने से जो गंदा रहता है ना ऊपर का, अच्छा वो निकल जाता है। पूरे बिहार से आते हैं लोग? जी हाँ, बिहार का कलकत्ता सबसे अच्छा, कलकत्ता से भी आ जाते हैं लोग, कश्मीर से आया खाने के लिए। अच्छा, कश्मीर से। तो मसाला हमारा पक के रेडी हो चुका है। अब देख सकते हो इसमें कलेजी डाल जाएगी, पूरी प्लेट भर के हमारी कलेजी यहाँ पे आ चुकी है। अब ये कम से कम 25 मिनट तक पकेगा। अच्छा, 25 मिनट लग जाएंगे पकने में, इसमें खाली 25 मिनट मीट मसाला पड़ेगा। तो नेक्स्ट अब देख सकते हो सौंफ यहाँ पे आ चुकी है, ये ज्यादा मीट मसाला। तो कोयले की आंच में देख सकते हो कितने बढ़िया से हमारे यहाँ पे कलेजी को तैयार किया जा रहा है। सारे मसाले एकदम बढ़िया से डाल दिए हैं भैया। हम लोग तो सवाल ऐसा देंगे, एक बार गहकी आएगा दोबारा जरूर आएगा। हम ये कहेंगे आदमी नाम पर नहीं, हर जगह सवाद चेक करना चाहिए मटन का। पटना आए और मुन्ना होटल मीट नहीं खाया, कलेजी नहीं खाया तो कुछ ना। तो मसाला देख सकते हो अच्छे से पक के रेडी हो चुका है और हमारी कलेजी अभी यहाँ पे रेडी होने जा रही है। 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको रेडी होने में। गोलकी जीरा का भूका हुआ पाउडर, गरम मसाला है। तो अच्छे से देख सकते हो सारे मसाले हमारी कलेजी के लिए यहाँ पे डाल चुके हैं। भैया रेडी होने वाला अभी ये 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेंगे रेडी होने में। तो हल्का सा पानी मिला दिया गया है, अब अच्छे से कलेजी को यहाँ पे रेडी किया जाएगा। भैया और कितना टाइम लगने वाला है इसको? बस उतारेंगे, खोल जाएगा था। ये धनिया पुदीने का चटनी। अच्छा, धनिया पुदीने की चटनी। सलाद में आ गया, प्याज खीरा, चार रोटी आ गया। तो हमारी देखो कलेजी की यहाँ पे प्लेट लगाई जा रही है। सबसे पहले जिसमें यहाँ पे सैलेड डाल दिया, चटनी डाल दिया है और अब यहाँ पे कलेजी के पीस डाल रहे हैं। कितने पीस रहते हैं? 4 पीस रहते हैं। और आप पटना रहे हैं तो मेरे यहाँ कलेजी फ्राई जरूर ट्राई करें, ये नाश्ते में मिलेगा आपको। तो भैया बढ़िया बनता है कलेजी यहाँ पे, खा के देखिए ना, खराब नहीं है तो पैसा वापस। तो इनका कलेजी फ्राई कैसे लगता है? कलेजी का नंबर 1 रहता है। अच्छा, तो कलेजी तो बाकी जगह भी मिलता है? देखिए बाकी जगह हम 2 जगह मीट खाते हैं, चंपारण में जायसवाल और उसके बगल में सोनी है, उसके टक्कर में सेम टक्कर का सेम स्वाद कराता है यहाँ पे मुन्ना होटल का। आप लोग भी खा कर टेस्ट कीजिए, कैसा लगता है अनुभव आपका हो जाएगा। तो ऐसा क्या मिलाते हैं अपने इसमें मटन में? सब मसाला कमाल है भैया। तो फाइनली जैसे पटना के फेमस मुन्ना होटल के यहाँ पे कढ़ाई कलेजी लग के यहाँ पे रेडी हो चुकी है और एकदम बढ़िया से देख सकते हो यहाँ पे हमारी प्लेट यहाँ पे लगा दी गई, जिसमें कि 4 रोटी आपको मिल जाएगी, चटनी मिल जाएगी, सैलेड में आपको प्याज मिल जाएगा, मिर्ची मिल जाएगी, खीरा मिल जाएगा और 4 पीस आपको कलेजी की मिल जाएंगे। तो भाई सबसे पहले आप रंगत चेक कर सकते हो, रंगत देख के पता चल रहा है कि कलेजी कितनी ज्यादा बढ़िया बनी है। तो अब हम इसको यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये आगे भाई कलेजी, तो एकदम देख सकते हो मीडियम साइज के कलेजी के पीस रहते हैं और अब हम इसको ट्राई करेंगे यहाँ पे ग्रेवी के साथ। तो भाई इनकी कलेजी जो है खाके मजा ही आ गया, बहुत ही टेस्टी है। तो जैसा मैंने लोगों से तारीफ सुनी थी एकदम वैसा ही इसको बनाया गया है। मसाले जो है काफी अच्छे से पकाए गए हैं और कलेजी के पीस जो है थोड़े मीडियम साइज के हैं, जो कि अच्छे से ग्रेवी साथ यहाँ पे पकाए गए हैं। तो मुझे तो इनकी कढ़ाई कलेजी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगी। अगर आप भी पटना बिहार में रहते हो तो आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आके इनकी ये कलेजी जरूर ट्राई कीजिए। ऐसी कलेजी पूरे पटना में आपको कहीं नहीं मिलने वाली। जो इसका टेस्ट है, फ्लेवर है और जो उसमें हल्की सी स्पाइसीनेस है, काफी बढ़िया टेस्ट आ रहा है। टाइमिंग क्या रहती है यहाँ की? 9:30 बजे। और हफ्ते में कितना दिन लगाते हो? बस ऐसे कभी बंद रहता है, जब थक जाता था वही खाली बीफ
डॉक्टर बृहस्पति बारो को, ऐसा नहीं। अच्छा, और दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए, बिहार में कहाँ पे है ये? मुन्ना होटल है, आपको पटना गांधी मैदान पेट्रोल पंप, मिश्रा पेट्रोल पंप है, हरियाली सब्जी मार्केट माना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर। एक बार खाइएगा सर तो बार बार आइएगा। तो बात कर लीजिए प्राइस की, 150 रुपए की प्लेट रहती है जिसमें कि आपको चार पीस रोटी मिल जाएंगे, सैलेड मिल जाएगा, चटनी मिल जाएगी। इनकी सब कलेजी को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।